राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं अपने बिहार से आ रहा हूँ, औरंगाबाद बिहार से। मैं अपने अपनी माता को अपने पूरी सेवा करती हूँ और अपनी माता को जी को लेकर अभी आया हूँ। और ऐसे अपने तो ज़्यादा नहीं, रोज अपने हमने अन्न इतने को अपने ग्रहण करने से पहले सुबह ही 11 रुपये अपने पे फोन से डालते हैं। आज ही भी आए हैं तो अपने यहाँ अपने डाले हैं और माँ भी आई है, लेकर आए हैं। और हमारी जो पत्नी अपने आपसे सुबह में बात हुई थी तो अपने कथा में लेकर आए, फरार हो गई, उधर चली गई। अभी भी बुलाए कि अपने चलो अपने प्रश्नोत्तरी हो रहा है, वहाँ अपने चलो, नहीं आ पाई, फिर भाग गई। कोई बात नहीं, ले आना इनको, दो आए हैं, भाग गई। कथा नहीं सुनती वो, दो दिन, एक दिन सुनी और दो दिन से भाग जा रही है। मेरे को मिला देना, जब भी लाना तो मेरे से बात कराना जी। और जो क्या कह रहा हूँ वो सुन नहीं रही है, अब क्या करूँ? आप भी अपने कुछ समझाइए। आपकी माँ? नहीं, हमारी पत्नी है, माँ तो ये है खड़ी। अच्छा, माँ है, पत्नी को मन नहीं लग रहा कथा में? नहीं नहीं, बात कर रही है, ये हमारी माँ है। तो आपसे बात नहीं करती पत्नी? बात करती है, थोड़ा सा बात में इतनी भी रूठ जाती है। जैसे हमने अपने कल सुबह से अपने कहा हुआ कि अपने गुरु दक्षिणा लेने गए, उसी में थोड़ा देर हो गया, बच्चा अपने में संभालने में उसको इतने तकलीफ हुआ, इसमें अपने रूठ गई। तो आपने मनाया नहीं फिर? मनाया तो मान ही नहीं रही है, हमने कोई कमी नहीं रखी है, इसी चलते अपने घर पे इससे ज्यादा करती है महाराज जी। लेकिन हम क्या करें, इसी चलते आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। अब ले आना, मैं बात करूँगा आपकी पत्नी से। यहाँ दो जरा अंदर इनको, ठीक है। राधे राधे गुरु जी, श्रीमन नारायण, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ सारंगढ़ जिला काफरसवाणी से हूँ। मेरी तीन बेटी है, जब मेरे तीन बेटी छोटे छोटे थे तो मेरे सास ससुर और मेरे माता पिता सब बीमार थे, उनका जाने का समय था, मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाई, मेरे बच्चों को देखना था, तीनों बच्चे छोटे छोटे थे। कोई बात नहीं, तो उनका प्रायश्चित के लिए मैं एक वृद्ध माता को गोद लेना चाहती हूँ गुरु जी। ठीक है, ले सकते हैं जी, जी। अच्छा, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, आपने कुछ अच्छा सोचा तो सही। कुछ लोग तो गलती करते हैं, उसको पश्चाताप भी नहीं होता। गुरु जी राधे राधे जी, आपको प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए गुरु जी, मेरा पूरा परिवार आपका भक्त है और बिहारी जी का भक्त है, और मेरी माँ आपकी बहुत भक्त है, ये बैठी हैं सामने, और बहुत इच्छा थी आपसे मिलने के लिए, तो मैं इनको लेके आया आपसे मिलवाने के लिए, आपको देखने के लिए गुरुजी, और आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। और गुरुजी एक क्वेश्चन था मेरा, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, एक मेरे घर पे छोटी बच्ची आई थी, गिरा दी थी, तो एक हैंड जो है जो नीचे रहता है वो टूट गया था, तो हमने तो उसको ऐसे जोड़ दिया टेम्परेली, तो गुरु जी मुझे क्या करना चाहिए? जोड़ दिया है, अच्छा है, वरना खंडित मूर्ति विसर्जन करके दूसरी ले सकते हैं जी। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए गुरु जी। एक बार मात मम्मी, गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में नमन। मैं आपको बहुत दिन से टीवी में सुन रही थी, पर आज सामने देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, आपके चरणों में कोटि बार बार प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। बाबा राधे राधे, प्रणाम। बाबा मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। करो। ऐसा है बाबा कि हम लोग आज रात रहेंगे, आजमगढ़ से आए हैं, और आपकी टीवी पर हम लोग देखते हैं, बराबर बहुत खुश होती हैं, मेरी बहू है और मेरा बेटा है, ये लोग आपसे मिलेंगे सुबह में, गाड़ी मेरी यहाँ पर है, और थोड़ा अपना कष्ट कहेंगी बाबा। हो जाएगा ठीक, चिंता ना करिए, खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, और बिहार जी के भी चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी रात को जैसे भोग प्रसादी कान्हा जी को लगा के सो जाते, पर्दा लगा देते हैं, खाट वोट पर नहीं लेटाते, कोई दिक्कत नहीं? लेटाना चाहिए, सुलाना चाहिए भगवान जी को। अभी खाट वाट नहीं लिए थे, ऐसे पर्दा लगा देते थे, तो अब सुलाना चाहिए। वहाँ पर खाट वाट की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा गद्दा बना लो ठाकुर जी के लिए, तकिया बना लो, लिटा दिया करो। अच्छा, प्रणाम गुरु जी।